नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विशाल गुप्ता है और आज का टॉपिक है हेट। तो अब पढ़ते हैं हेट। हेट होता क्या है? हेट एक तरह का एनर्जी है। तो हम बात करते हैं कि किसी भी सिस्टम के बारे में। अभी तो टोटल थर्मोडायनेमिक्स में सिस्टम के बारे में बात हो रहा है। तो सिस्टम में क्या होता है? एनर्जी एक्सचेंज होता है। जैसे कि कोई भी अगर हमारा सिस्टम है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है? एनर्जी एक्सचेंज होता है। तो एनर्जी जो एक्सचेंज होता है किसके बीच? सिस्टम एंड सराउंडिंग। मान लेते हैं ये हमारा सिस्टम है। सिस्टम मतलब मान लेते हैं कोई बीकर में पानी है, तो पानी सिस्टम है और उसके बाहर जो है ये हमारा बाहर का एटमॉस्फेयर सराउंडिंग है। तो एनर्जी जो एक्सचेंज होता है किसके किसके बीच? सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच, इसी को क्या कहते हैं? हीट कहा जाता है। और आपको पता है कि हीट होता क्या है? हीट हमेशा हमारा हाई टू लो, मतलब कि हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर ट्रांसफ़र होता है। हीट हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर ट्रांसफ़र होता है, और ट्रांसफ़र तब तक होता है जब तक कि दोनों का टेम्परेचर इक्वल ना हो जाए। तो हीट को अगर हम फॉर्म ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी बोलें तो ये गलत नहीं होगा कि वहाँ पर ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी हो रहा है। और कहाँ से? हाई एनर्जी टू लो एनर्जी, ये ट्रांसफ़र करते हैं। और इसी पूरे प्रोसेस को हीट के द्वारा हम समझ सकते हैं। और ये हम टोटली थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ रहे हैं। तो हीट का जो सिंबल होता है ये क्यू होता है, और इसका यूनिट जो होता है SI यूनिट जूल होता है, और एक और यूनिट लेके चलते हैं कैलोरी। और हमको पता है कि एक कैलोरी में 4.182 जूल होता है, या मैक्सिमम केस में हम बोलते हैं कि 1 कैलोरी = 4.2 जूल अप्रॉक्स मान सकते हैं, लेकिन 4.182 जूल लेते हैं। इसके बाद हम हीट थर्मोडायनेमिक्स में किस तरह पढ़ेंगे, तो ध्यान दीजिएगा कि अगर हम एक कोई सिस्टम है, ठीक है, सिस्टम है लिक्विड मान लेते हैं, अगर हम हीट इस सिस्टम को प्रोवाइड करा रहे हैं, मतलब कि इस सिस्टम को सराउंडिंग के द्वारा या बाहर से हीट दिया जा रहा है, इस सिस्टम को बाहर से कोई हीट दिया जा रहा है, मान लेते बाहर से हम एक्सटर्नल हीट दिए, तो जब हम बाहर से अगर इस सिस्टम को हीट दे रहे हैं तो ये क्या कहलाएगा? हीट गिवन टू द सिस्टम। हम बाहर से मान लीजिए हीट दे रहे हैं तो हीट गिवन टू द सिस्टम, तब हमारा जो हीट होगा वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। जब इस पे जो हमारा सिस्टम है उसको हीट दिया जा रहा है, मतलब सिस्टम में लिक्विड हो सकता है, कोई भी केमिकली इक्वेशन हो सकता है, अगर इक्वेशन में हम कोई बाहर से हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, मान ले कोई भी रिएक्टेंट है उसको हम लोग हीट दे रहे हैं, तो हम बाहर से हीट दिए ना किसी भी रिएक्टेंट को, तो किसी भी रिएक्टेंट को अगर हम बाहर से हीट दे रहे हैं तो हमारा क्या होगा? जो भी सिस्टम में जो हमारा हीट होगा वो पॉजिटिव होगा। मतलब क्या हुआ? हीट गिवन टू द सिस्टम हमारा पॉजिटिव होगा। हीट गिवन टू द सिस्टम मतलब कि सिस्टम को हीट देना कहाँ से? सराउंडिंग से, तो वो हमारा पॉजिटिव हीट होगा। अब बात होता है कि अगर मान लेते हैं कि कोई हमारा सिस्टम है, सिस्टम क्या करता है? सिस्टम के द्वारा हीट दिया जाता है, सिस्टम से बाहर हीट दिया जा रहा है, मतलब सिस्टम अब क्या कर रहा है? हीट ट्रांसफ़र कर रहा है अंदर से बाहर की ओर, मतलब कि सिस्टम का टेम्परेचर ज़्यादा है और बाहर का टेम्परेचर सराउंडिंग का टेम्परेचर कम है, तो सिस्टम से अगर हम लोग क्या करते हैं? हीट देते हैं, तो वो हमारा निगेटिव होता है। मतलब क्या हुआ? हीट गिवन बाय द सिस्टम जो होगा, मतलब कि सिस्टम के द्वारा अगर हम हीट देते हैं, ट्रांसफ़र होता है, मतलब कि सिस्टम का हीट ज़्यादा होगा और सराउंडिंग का हीट कम होगा, तो हीट गिवन कहाँ से कहाँ की ओर जाएगा? सिस्टम से सराउंडिंग की ओर जाएगा, तो हीट गिवन बाय द सिस्टम हमारा क्या होगा? नेगेटिव होगा। ये हीट के बारे में इतनी चीज़ें हैं। तो ये दो पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है थर्मोडायनेमिक्स में। हीट गिवन टू द सिस्टम पॉजिटिव, मतलब कि अगर सिस्टम हीट देता है तो पॉजिटिव होगा, सॉरी सिस्टम को हीट दिया जाता है तो पॉजिटिव होगा, अगर सिस्टम के द्वारा दिया जाता है हीट तो निगेटिव होगा। ये बात समझ में आ गया। अब इसके बाद हम अपने सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक अब चलते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैस। क्योंकि हम टोटल थर्मोडायनेमिक्स में गैस के बारे में हम अध्ययन करेंगे, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैसेस क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा, अगर इसके परिभाषा की बात करें, इसके डेफिनेशन की बात करें,
तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता ये है कि किसी भी 1 ग्राम ऑफ कोई भी 1 ग्राम मान लेते हैं, कोई भी 1 ग्राम ऑफ सिस्टम में कोई कुछ भी 1 ग्राम लेते हैं, तो इस 1 ग्राम सिस्टम का टेम्परेचर, ये मान लेते हैं कोई भी चीज़ है 1 ग्राम है, 1 ग्राम सिस्टम का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितना हीट लगेगा उसी को स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं। मतलब समझ में आया कि अगर मान लेते हैं पानी है, इसमें पानी है, पानी का 1 ग्राम पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए, 4.2 जूल हीट लगेगा, वो पानी का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहलाएगा। ठीक है, इसी तरह किसी भी सिस्टम का 1 ग्राम का 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितने टेम्परेचर की ज़रूरत होती, मतलब जितने हीट की ज़रूरत होती है, उसे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को सी से रिप्रेजेंट करते हैं, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमारा सी इक्वल्स टू क्यू बाई एम इंटू डेल्टा टी होता है। अब क्यू क्या होता है, क्यू हमारा हीट रिक्वायर्ड होता है, और एम हमारा क्या होता है, यूनिट मास, एंड डेल्टा टी हमारा रिक्वायर्ड टेम्परेचर होता है। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी C इक्वल्स टू क्या होगा, Q बाई एम इंटू डेल्टा T। Q हमारा हीट रिक्वायर्ड है, M हमारा यूनिट मास है, T हमारा डेल्टा T जो है चेंज इन टेम्परेचर है। ठीक है, तो अब बात करते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन। तो एक बार यहाँ पे देख लेते हैं, 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए 4.2 जूल हीट लगेगा, इसे ही स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर का कहेंगे। अब इसके जस्ट बाद हम पढ़ाई करेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में। आगे आता है आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होगा, अब बात ये हुआ कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहाँ से कहाँ तक हो सकता है। जैसे कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला आप जानते हैं, सी इक्वल्स टू क्या होता है, क्यू बाई एम इंटू डेल्टा टी। अब ये कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, तो अगर हम आइसोथर्मल प्रोसेस लें, तो आइसोथर्मल प्रोसेस हमारे प्रीवियस वीडियो में है कि यहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट होता है, तो डेल्टा टी हमारा जीरो होगा, और जब डेल्टा टी हमारा जीरो होगा, तो डेल्टा टी अगर वैल्यू जीरो रखते हैं तो देखें क्यू एम इंटू जीरो, तो ये हमारा इनफाइनाइट आता है। और इसके बाद एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है, जहाँ पे हीट एक्सचेंज नहीं होता है वो एडियाबैटिक प्रोसेस है, मतलब Q हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब जब Q हमारा जीरो हो जाएगा, सॉरी एडियाबैटिक Q हमारा जीरो हो जाएगा, जीरो बाई एम इंटू डेल्टा टी, तो ये जीरो होगा। तो हमारी जो वैल्यू होती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की, वो कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैसेस जीरो से लेके इनफाइनाइट तक वैल्यू हो सकता है। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, हमको समझ में आया कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू जो होती है जीरो टू इनफाइनाइट हो सकता है। ठीक है, तो गैस की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को जीरो से लेकर इनफाइनाइट तक किया जा सकता है। अब बात करते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, हमको पता चल गया कि कहाँ से कहाँ तक हो सकता है। अब बात करते हैं एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक इस लेक्चर का यही है कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कांस्टेंट वॉल्यूम पे हमारा CV इक्वल्स टू क्यू बाई एम इंटू डेल्टा टी होता है। ठीक है, तो जहाँ पे वॉल्यूम हमारा क्या होगा, कांस्टेंट होगा, तो लिखेंगे इसका डेफिनेशन क्या होगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तो कांस्टेंट वॉल्यूम पर 1 ग्राम गैस का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हीट लगेगी उसे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहेंगे। कब, एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तो CV इक्वल्स टू क्या होगा हमारा, क्यू एम इंटू डेल्टा टी। ठीक है, अगर एम का वैल्यू 1 हो जाए और डेल्टा टी टेम्परेचर भी 1 डिग्री सेल्सियस हो जाए, तो क्यू हमारा CV के बराबर होगा। तो जब हमारा 1 ग्राम होगा और 1 डिग्री सेल्सियस होगा, तो क्यू हमारा किसके बराबर होगा, CV के बराबर, मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बराबर हमारा क्यू होगा। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर पे, कांस्टेंट प्रेशर पे CP लिख सकते हैं, तो यही सेम डेफिनेशन होगा कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस
मतलब किसी भी 1 ग्राम गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी हीट की जरूरत होगी उसके उसे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहेंगे एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे, कॉन्स्टेंट प्रेशर पे। तो इसे स्मॉल सीपी, ये सारा सीबी भी स्मॉल सीपी था, ये स्मॉल सीपी है। स्मॉल सीपी इक्वल्स टू क्यू बाई एम इंटू डेल्टा टी, ये होगा। और जब 1 ग्राम गैस होगा और 1 डिग्री सेल्सियस होगा तो क्यू इक्वल्स टू सीपी हो जाएगा। और इसका जो यूनिट होता है स्मॉल सीपी का, जिसको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर पे कहते हैं, इसका यूनिट जो होता है जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस होता है। धन्यवाद। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हम पढ़ाई करेंगे।